क्या आप मधुमक्खियों को रिक्वेस्ट करके उनका छत्ता खाली करवा सकते हैं? क्या मधुमक्खियों से बातचीत की जा सकती है? क्या मधुमक्खियों को रिक्वेस्ट करके उनसे अपनी रिक्वेस्ट मनवाई जा सकती है? ये गैर यकीनी है। खास करके जो बड़ी वाली मक्खी है उसको पंजाबी में डूमना मक्खी कहते हैं। ये घटना मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, मेरी दृष्टि में ये एक चमत्कार है। हमने शहद निकालने वाले सज्जन से बात कर ली है, वो आएगा और शराब पी के आएगा, उसका कुछ अपना सिस्टम है, मंत्र से कीलेगा और आपका शहद निकाल लेगा और आपका छत्ता भी खत्म हो जाएगा, फिर आप लोगों को जाना पड़ेगा। आप मेरी बात समझ रही हैं? अगर आप नहीं गई तो मैं आपका घर, आपका शहद लेने का और आपका घर उजाड़ने का दोषी नहीं होऊंगा, उसकी आप लोग खुद ही दोषी होंगी। मन में मैं ये सोचने लग गया कि अगर कोई मुझे ऐसे देख ले, ऐसे ऊपर को मुंह करके मधुमक्खियों के छत्ते से बात करते हुए, तो शायद वो सोचेगा पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगा कि इस आदमी का दिमाग खराब हो गया है, यू नो मेंटली इम्बैलेंस हो गया है, ये मधुमक्खियों से बातें कर रहा है। इतनी सारी मधुमक्खियां मेरे एक बार कहने पर रातों रात अपना इंतजाम करके अपना शहद लेके कहां भटकती होंगी, उन्होंने कहां जाके अपना छत्ता बनाया होगा, दोबारा से अपना घर बनाने में कितनी मेहनत लगती है, कितनी तकलीफ होती है। तो मेरे मन में कहीं बहुत दुख हुआ मुझे। ये पाप नहीं मैं करना चाहता हूं, उस भाव को उस ईश्वर ने जो उन मक्खियों के अंदर विराजमान है पहुंचा दिया। उनको मेरी भावना फौरन समझ में आ गई और उन्होंने सिर्फ एक रात भर का टाइम लिया, कैसे कहां क्या इंतजाम किया वो जानते होंगे या ईश्वर जानते होंगे और वो चले भी गए। अगर मधुमक्खियां मेरी भावना को समझ गईं, अगर मधुमक्खियां मेरी प्रार्थना स्वीकार करके चली गईं, तो ईश्वर कैसे हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेंगे, कैसे हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार नहीं करेंगे। मंगल ढिलोन चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिलोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत महापुरुष भक्त देवी देवता अवतार पीर पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। गुरु प्रेमियों, क्या आप मधुमक्खियों को रिक्वेस्ट करके उनका छत्ता खाली करवा सकते हैं? सुनने में बहुत अटपटा लगता है। क्या मधुमक्खियों से बातचीत की जा सकती है? क्या मधुमक्खियों को रिक्वेस्ट करके उनसे अपनी रिक्वेस्ट मनवाई जा सकती है? ये गैर यकीनी है। खास करके जो बड़ी वाली मक्खी है उसको पंजाबी में डूमना मक्खी कहते हैं। ये घटना मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं, मेरी दृष्टि में ये एक चमत्कार है। हमारे यहां हमने कोशिश की थी कि गौशाला शुरू की जाए, गौ की सेवा की जाए। पहले योजना थी कि बड़ी गौशाला बनाई जाए, जो जख्मी गौ माता है, जो भटक रही हैं, बुरी हालत में, गंदगी खाती हैं, उन सबको लाके उनकी सेवा की जाए। वो संभव नहीं हो पाया कई कारणों से, तो उस वाले एक छोटी सी गौशाला बनाई जाए, 5-7 गौओं को रखा जाए। तो हमने स्पेशली गिर गाय को मंगवाया हापुड़ की तरफ से, वो गुजरात से लाई गई थी। तो उनके लिए मैं बॉम्बे में था, उनकी हालत बड़ी ख़राब थी, तो हमने ऐसे ही फ़ोन पे सारी बातचीत करके उनको पेमेंट कर दिया और गौ माता मंगवा ली। तो यह हमारे पास इंतज़ाम ने टेम्परेरी एक त्रिपाल वगैरह डाल के कुछ काम किया, विंटर था उस वक्त। फिर उसके बाद में सोचा इनके लिए भूसा चाहिए, चारा चाहिए, तो यहाँ की लोकल सबराला की गौशाला से हमने संपर्क किया, तो वहाँ से कुछ मदद मिली, चारा वगैरह आने लगे, वहाँ से खरीदने लगे, गौशाला के बाहर वो चारे वाले होते हैं, कुछ भूसा उनसे मांगा। तो अपना यहाँ बनाने लग गए हम सबको धीरे धीरे। लेकिन जो शेड उनके लिए बनाना था
वो एक तरफ से हमने बना लिया, लेकिन एक जगह पे मधुमक्खियों का बहुत बड़ा छत्ता लगा हुआ था, वो बड़ी वाली मक्खी डूमना जिसको बोलते हैं, और बहुत बड़ा छत्ता था। मैं आपको उनके चित्र दिखाऊंगा जब वो चली गई। हम लोगों ने धुआं हुआ करके देखा, लेकिन वो नहीं जा रही थी। फिर कई लोगों से बात की जो ये मक्खियाँ का शहद निकालते हैं, तो किसने कहा मैं 1,000 रुपया लूँगा। ऐसी बातें चलती रहीं। मेरे मन में मेरी माँ कहा करती थी कि अगर आपने एक छत्ता यानी वहाँ से शहद निकाला और मक्खियों का छत्ता उजाड़ दिया, तो ये एक गांव उजाड़ने जितना पाप है, ऐसा वो कहा करती थी। तो मेरे मन में ये ख्याल आता था कि अगर हमने शहद निकाला, इनका घर उजड़ गया, तो ये तो एक गांव उजाड़ने जितना पाप होगा, क्या करें, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। ऐसे करते कराते 2 महीने निकल गए और वो काम बीच में रुक गया और मुझे बॉम्बे जाना था, तो मैं तकरीबन 2 महीने के लिए बॉम्बे चला गया। अब ये काम बीच में रुक गया तो गर्मी आ गई। गर्मी में मक्खियाँ मच्छर उनको काटते हैं, गऊओं को, वो बहुत कूदती फांदती रहती हैं। तो हमने रिक्वेस्ट की, जो हमारे सज्जन यहाँ थे जगतार सिंह जी, उनसे रिक्वेस्ट की कि आप कम से कम वहाँ धुआं कर दिया करें, आपको भी पुण्य मिलेगा। उनसे मदद मांगी, लेकिन उससे बात बनती नहीं है, क्योंकि धुआं थोड़ी देर के लिए होता है। फिर हम लोग जब वापस आए बॉम्बे से, तो उनकी हालत देखी तो बहुत परेशान थी, तो समझ में नहीं आता क्या करें। फिर शहर जो निकालते हैं उनसे बात की गई, एक आदमी को भेजा जो शेड बनाने वाले हैं, उसको कहा, उसने जब तक ये आप ऊंचा नहीं करेंगे तो बाहर का शेड मैं बना नहीं सकता, हमको तो वहाँ जाली वाला लगा देंगे ताकि मच्छर अच्छा अंदर नहीं जाए। तो उस आदमी ने कहा ठीक है मैं आ जाता हूँ, लेकिन मैं पता नहीं क्वार्टर या हाफ दारू पीऊँगा और उनको कीलने के बाद में मैं उनका शहद निकाल दूँगा। शहद का क्या करना है? तो मैंने उस आदमी, जैसा भी ठीक लो, आधा आधा कर लो या तुम ही ले जाना भाई। और कुछ उसने पैसे मांगे तो हमने कहा दे देंगे। अब गऊओं की हालत हमसे देखी नहीं जाती और हमारा काम रुका हुआ है। मिस्त्री कहते हैं कि पहले आप ये हटवाइए और ये हटेगा वहाँ से जो छत्ता है, तभी हम लोग वहाँ काम करेंगे, उसको ऊंचा उठाएंगे। मैं आपको साथ साथ में कुछ तस्वीरें भी दिखाऊंगा जिस जगह की बात हो रही, जिसको जिसके बराबर करना, जो मतलब ये जो एक तस्वीर हम दिखाएं आपको, कोशिश करेंगे, ये ऊंचा कर दिया, दूसरा नीचा है, इसको इसके बराबर करना और वहाँ छत्ता। तो वो जो छत्ता है, जब तक वो हटता नहीं है, डाली टहनियाँ काट नहीं लेते, तब तक इन टीनों को उठा के उनके बराबर ऊंचा नहीं करेंगे, और तब तक जब तक ये ऊंचे नहीं होते तो बाहर का शेड नहीं बन सकता। ये वहाँ टेक्निकल दिक्कत थी। तो हम लोग बड़े परेशान किए। वो जो आदमी कह रहा है कि मैंने कहा मैं दारू तो नहीं दूंगा, मैं तुमको पैसे दे दूंगा, तुम भैया अपनी पी के आ जाना। तो उस आदमी ने जो बीच में था, उसका नाम केवल सिंह है, जो शेड वगैरह बनाते हैं, तो उसने कहा कि वो कीलेगा, कुछ ऐसा बता रहा था। उसका अपना कोई सिस्टम है कि पीने के बाद में वो जो भी शक्ति जिससे वो बात करते हैं, तो फिर वो शहद निकाल देगा। मेरे मन में था कि हमारी मजबूरी तो है, लेकिन ठीक नहीं है, इतनी सारी लाखों की तादाद में वो मक्खियाँ हैं, उनका घर उजड़ जाएगा। तो मेरे मन में कहीं ना कहीं ये द्वंद्व था। वो आदमी उस दिन नहीं आया, शाम को उसने आना था, वो नहीं आया। उस दिन हमने यहाँ पाठ भी रखवाना था, सहज पाठ, तो मैं दिन भर बिजी रहा, बेटा था उसका, दाखिला भी करवाना था, तो सारा दिन बिजी रहा। तो मैं, मेरे मन में ये विचार आने लग गया कि मैं मधुमक्खियों से बात करता हूँ, एक बार बात करके देखी जाए। तो वहां से आए तो पाठ रखना था, फिर पाठ मुझे श्रवण करना था, सुनने लग गया। ये करते कराते शाम हो गई, तो शाम को तकरीबन 6 बजे पाठ समाप्त हुआ। तो मैं वहां से आया, तो आके 6:30 बजे करीब मैं वहां जहां मधुमक्खी का छत्ता लगा, ये आप देख सकते हैं, तो वहां पे मैंने जाके उनसे बात करनी शुरू की, उनसे प्रार्थना की, और साथ में उनको चेतावनी भी दी कि देखिए इतने महीने हो गए, आपको मालूम है हमने यहाँ धुआं भी किया, आप लोग गए नहीं, अब हमारी मजबूरी है, हमने शहद निकालने वाले सज्जन से बात कर ली है, वो आएगा और शराब पी के आएगा, उसका कुछ अपना सिस्टम है, मंत्र से कीलेगा और आपका शहद निकाल लेगा और आपका छत्ता भी खत्म हो जाएगा, फिर आप लोगों को जाना पड़ेगा। मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग अपना शहद लेके यहाँ से चले जाएं, क्योंकि हमारी गऊओं को बहुत तकलीफ हो रही है और हमको ये शेड ऊंचा करना है। आप मेरी बात, ऐसे मैं ऊपर देख के बात कर रहा था, आप मेरी बात समझ रही हैं? अगर आप नहीं गई तो मैं आपका घर
आपका शहद लेने का और आपका घर उजाड़ने का दोषी नहीं होऊंगा, उसकी आप लोग खुद ही दोषी होंगी। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मैंने 3 बार ऐसे कहा उनसे कि आप लोग अपना शहद लेके चली जाएं, वरना मजबूरन मुझे शहद निकालने वाले को बुला के उससे बात हो चुकी है, आपका छत्ता तोड़वाना होगा, आपका शहद भी वो निकाल लेगा, तो आप कहीं और जाके अपना घर बनाएं। अब बहुत हो गया, 6 महीने से हम आपका इंतजार कर रहे हैं और हमारी गऊओं को बहुत तकलीफ है, आप लोग प्लीज, मेरी प्रार्थना, आप लोग चले जाएं, वरना आपका छत्ता अगर उजड़ता है, आपका घर उजड़ता है, उसकी दोषी आप लोग होंगे, मैं नहीं होऊंगा। ऐसे मैंने फिर 3री बार ये कहा और कह के मैं वहां से चला आया। मन में मैं ये सोचने लग गया कि अगर कोई मुझे ऐसे देख ले, ऐसे ऊपर को मुंह करके मधुमक्खियों के छत्ते से बात करते हुए, तो शायद वो सोचेगा पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगा कि इस आदमी का दिमाग खराब हो गया है, यू नो मेंटली इम्बैलेंस हो गया है कि ये मधुमक्खियों से बातें कर रहा है। तो ये कह के मैं आ गया। तो दूसरे दिन यहाँ मेरे पास कुछ लोग आए हुए थे, तो उनसे मैं ऐसी बात करने लग गया कि भाई ऐसे ऐसे है, तो मैंने उनसे कहा है मधुमक्खियों से कि आप लोग चले जाओ, वरना तो हमारी मजबूरी है, फिर मैं दोषी नहीं होऊंगा, तुम लोग दोषी होगे अपनी बर्बादी के, अपने घर की बर्बादी के। तो ये मैं बात कर रहा था उन लोगों से, फिर मैं उनसे ये भी कहने लगा कि शायद अगर मुझे कोई कहे कि अपना सामान उठाओ रातों रात और कल तुम्हें यहाँ से जाना है, तो मेरे लिए कितना मुश्किल होगा, ये तमाम पैराफर्निलिया, ये सामान उठा के मैं कैसे जाऊँगा। तो शायद एक दिन का नोटिस मैंने उनको कम दिया है, तो मैं उनको 3 दिन का नोटिस दूंगा। ऐसा मैं उनसे बात कर रहा हूँ यहाँ ऑफिस में, यहीं बैठ के जहाँ मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मुझे याद नहीं कौन सज्जन थे वो इस वक्त, तो मैंने कहा भी आज फिर उनसे कहूँगा मैं जाके, ठीक है, और कल फिर जाऊँगा, 3 बार हो जाएगा, अगर वो नहीं गई तो फिर मेरी मजबूरी है, फिर मैं दोषी नहीं हूँ, फिर मैं उस आदमी से कहूँगा आ जाओ भाई शायद निकाल लो, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, ड्रिंक तुम अपनी करके आना, उसके पैसे दे दूंगा। ऐसा मैं उनसे बात कर रहा तब तक डॉक्टर रूपा आए, तो कहने लगे मैं सवेरे उधर गई थी, वो तो चली गई। मुझे बहुत ही अचंभा हुआ, मैं हैरान रह गया। तो मैं यहाँ से उन लोगों को भी साथ में ले गया यहाँ से मैं दौड़ के गया उधर, और जब मैंने वहाँ जाके देखा, तो ये आप देखिए विजुअल छत्ते का, जो मैंने वहीं से फोटो लिया था अपने मोबाइल से, ये आप देख सकते हैं, एक भी मधुमक्खी नहीं थी। अपना शहद लेके, यानी शाम को मैंने 6:30 बजे उनसे प्रार्थना की, साथ में उनको चेतावनी दी, और रात भर में उन्होंने अपनी तैयारी की, और सुबह मुझे तो यकीन नहीं था, वरना तो मैं जो छत्ता लगा हुआ था उसकी भी तस्वीर या वीडियो बना लेता, वो बाकायदा आपको दिखाता कि कितना डर लगता था, इतनी मधुमक्खियाँ थी, इतना बड़ा था छत्ता वो, कि उनको देख के डर आता था, और वो काटती बहुत भयंकर और बहुत पीछा करती हैं, छोड़ती नहीं हैं, ये जिन लोगों को अनुभव वो समझ सकते हैं। तो और कई बार तो लोग जब ज़्यादा मधुमक्खियाँ काट ले बंदा मर भी जाता है, बुखार आ जाता है, बहुत बुरा हाल करती हैं, बहुत पेनफुल होता है। तो जब मैंने जाके देखा तो एक भी, मैं भौचक्का खड़ा देखता रहा, ये छत्ते को ऊपर मैंने मतलब फोटो भी लिए, और वो लोग भी बड़े हैरान थे, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंतःकरण में, मैं आज भी आपसे बात कर रहा हूं, तो मुझे दुख हुआ, मुझे ऐसा लगा कि यार ये कहां गई होंगी इतनी सारी मधुमक्खियां मेरे एक बार कहने पर रातों रात अपना इंतजाम करके अपना शहद लेके कहां भटकती होंगी, उन्होंने कहां जाके अपना छत्ता बनाया होगा, दोबारा से अपना घर बनाने में कितनी मेहनत लगती है, कितनी तकलीफ होती है। तो मेरे मन में कहीं बहुत दुख हुआ मुझे कि मैं धर्म संकट में फंसा हुआ था, द्वंद में था, कि एक तरफ ये मधुमक्खियां थी और एक तरफ वो गौएं थी, और इतनी देर मैंने इंतजार किया और मुझे नहीं मालूम था कि मेरे एक बार कहने पर मेरे एक बार कहने पर से ही वो सुबह ही अपना सुबह होते ही वहां से चली गई। तो मैं कई बार गया वहां उसको देखने के लिए और मैंने मिस्त्री ढूंढना शुरू किया, और उन लोगों से वो शेड बनाने वाले से कहा कि मधुमक्खियां चली गई हैं, तो उसने कहा कोई शहद वाला आया, तो मैंने नहीं ऐसे ही मैंने उनसे प्रार्थना की तो चली गई हैं। तो बड़ा हैरान हुआ। तो हमको वो जो मेसन है, जो कड़िया वाला उसको बोलते हैं बॉम्बे की भाषा में, राज मिस्त्री जिसको बोलते हैं, वो मिला नहीं। तो काफ़ी दिन गुजर गए, इस बात को भी काफ़ी दिन हो गए, मेरा ख्याल 15 दिन हो गए होंगे, 12-15 दिन हो गए।
हमको मिला नहीं मिस्त्री, तो मुझे और अफसोस हुआ। फिर आंधी आई थी बीच में, तो उनका छत्ता गिर गया, तो मैं ले आया उसको उठा के, और फिर रख के उसको मैंने फिर उसका फोटो लिया, और उसको काफ़ी देर तक मैं देखता रहा कितनी बारीकी से कैसे वो बनाती हैं छत्ते को, कैसे उसमें शहद भरती हैं, और कैसे थोड़ा थोड़ा वो कहाँ कहाँ से ला के इकट्ठा करती हैं। तो मैं उनके बारे में सोचता रहा कि मुझे मालूम नहीं था, मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे मालूम नहीं था कि मुझे इतने दिनों तक राजमिस्त्री नहीं मिलेगा, वरना आप आराम से अपना घर ढूंढ लेती हूँ जगह। उनका कुछ सिस्टम होगा कुदरत में, भले हारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाए लख्या, उनमें भी ईश्वर विराजमान है, कण कण में ईश्वर विराजमान है, उसी के रूप हैं ये, उसी के रंग हैं। तो अगर मुझे राजमिस्त्री नहीं मिलना था तो मैं आपसे कह देता कि मुझे तो यकीन नहीं था कि आप लोग मेरा कहना ऐसे मानेंगी। अगर मुझे मालूम होता कि मेरे कहने पर से आप चली जाएंगी, तो फिर मैं आपसे कहता कि मैं मिस्त्री ढूंढ रहा हूँ, जब मुझे मिस्त्री मिल जाएगा तो मैं आपको एक दिन पहले बता दूंगा, फिर आप लोग चले जाना। लेकिन आप लोग तो एक बार कहने से ही आप रातों रात इंतजाम करके सवेरे चले गए, और मुझे इतने दिनों से अब कोई मिस्त्री नहीं मिल रहा है, तो मुझे बड़ा दुख है कि आप लोगों को इतनी जल्दी जाना पड़ा यहाँ से। अब ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो वाहेगुरु, वो गॉड हर जीव में बसा हुआ है। वो मक्खियां मेरी भाषा कहां समझती थी, ये तो वो जो हरी उनके अंदर बसा हुआ है, वो हरी भाव की भाषा को समझता है। जो भावना थी मेरी उनके प्रति कि इनका नुकसान ना हो, इनका घर ना उजड़े, इनका शहर ना लूटा जाए, ये पाप नहीं मैं करना चाहता हूं, उस भाव को उस ईश्वर ने जो उन मक्खियों के अंदर विराजमान है पहुंचा दिया। उनको मेरी भावना फौरन समझ में आ गई, और उन्होंने सिर्फ एक रात भर का टाइम लिया, कैसे कहां क्या इंतजाम किया वो जानते होंगे या ईश्वर जानते होंगे और वो चले भी गए। मैं तो सुबह वहां देखने भी नहीं गया, मुझे यकीन नहीं था, वो तो डॉक्टर रूपा ने देखा और मुझे बताया, जब मैंने यहां जिक्र करना शुरू किया तब मैं दौड़ा दौड़ा गया, और आज भी मैं उनके बारे में सोचता हूं तो भावुक होता हूं। लेकिन संदेश क्या है, संदेश यह है कि अगर आपकी अवस्था बन जाए, अगर आप ईश्वर का नाम जपने लग जाएं, अगर आपको ईश्वर पर विश्वास हो जाए, अगर आप में दया आ जाए, दया सबसे बड़ी नेकी है, तो ये जो जीव जंतु हैं ये आपकी भावना को समझेंगे, क्योंकि भावना का भूखा भगवान है, और भगवान कण कण में विराजमान है, उन लाखों मधुमक्खियों में भी वो विराजमान था, और मेरी भावना को समझते हुए उन्होंने बिल्कुल देर नहीं लगाई और छोड़ के चले गए, लाखों की तादाद में चले गए, कहां गए मालूम नहीं। तो आप कोशिश करें, अगर मधुमक्खियां मेरी भावना को समझ गईं, अगर मधुमक्खियां मेरी प्रार्थना स्वीकार करके चली गईं, तो ईश्वर कैसे हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेंगे, कैसे हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार नहीं करेंगे। इस तरह से धरती पर, हवा में, पानी में, आपके इर्द गिर्द जितने भी जीव जंतु हैं, अगर भावना के स्तर पर आप दया करेंगे, उनको बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा जो पर्यावरण है इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। हमने तो सांप ही मार डाले, हमने तो छोड़ा ही कुछ नहीं, जंगल ही खाली कर दिए, हमने जंगल ही काट डाले, अब हमको वो गोरैया नहीं मिलती है देखने को। फिर वो 4G और 5G आ रहा है, तो उससे कितने पक्षी मरते हैं, कितनी गर्मी हो गई है, पक्षी गिर रहे हैं मर मर के, जो गहना है सृष्टि का, श्रृंगार है, इनके बिना तो ये सारी प्रकृति सुनी लगेगी, यहां तो सन्नाटा हो जाएगा। ईश्वर ने अकारण इनको नहीं बनाया है, इनका इकोलॉजिकल सिस्टम के साथ में बहुत गहरा संबंध है, मच्छरों का, मक्खियों का, इन मधुमक्खियों का। साइंस मधुमक्खियों के सामने नतमस्तक, वो समझ ही नहीं पाई, उनके सारे लॉज को डिफीट कर दिया उन्होंने, मधुमक्खी ने, वो समझ नहीं पाए हैं। तो ईश्वर ने जितनी भी चीजें बनाई हैं, उन सब में वो कादर अपनी कुदरत में बसा हुआ है। बस हमारे पास पहचानने वाली आंख, समझने वाला दिमाग चाहिए, और अगर हम सहृदय हो जाएं, अगर हम दयालु हो जाएं, और होंगे कैसे,
ईश्वर के नाम से जपने से। जपते रहिए, जपते रहिए, सुनते रहिए, ये शुरुआत है। कुछ लोगों ने पूछा कि अगर हम अपने मन में अपनी सूरत से, उस आगे की स्टेज है, अपनी सूरत से अपने मन में जपेंगे वो आगे की स्टेज है कि जीभ भी ना हिले, लिप्स भी ना हिले, कोई कंपन भी जीभ में ना हो, सूरत जपती रहे, सहज रूप में जपते रहे, वो आगे की अवस्था है। तो अगर आपने ये करना शुरू कर दिया तो आप जैसे मैंने अगला, उसके बाद मुझे विश्वास होने लग गया, तो मेरे बाथरूम में बहुत सारे कॉकरोच थे, मैंने उनसे भी बात करनी शुरू कर दी। हमारे बहुत सारे गुरुमुखों ने, जिनकी बहुत ऊंची अवस्था थी, उन्होंने भी ऐसे बात की है, मच्छरों से बात की है, और उन्होंने सुना है कि आप अगर उनसे वार्तालाप करेंगे, मतलब उस लेवल पे अगर आप पहुंच जाते हैं, तो आपकी भावना को समझ के आपको परेशान करना बंद कर देंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं जो सूत्रपात है हम सबके बीच में, सारी सृष्टि के बीच में, इस पृथ्वी मां के बीच में, जल देव के बीच में, जल पिता है, माता तर्त मात, तो ये सारा कनेक्टेड है हमारे साथ, उस ईश्वर, वो स्रोत है हमारे अंदर भी। हम जो बात कर रहे हैं ईश्वर की वजह से, आत्मा की वजह से, उनके अंदर भी वो चल फिर रहे हैं, जो कुछ भी वो कर रहे हैं, हमसे पीछे सही, लेकिन ईश्वर की वजह से। वो जो आत्मा है उसका साई तो सेम है, चाहे बच्चे के अंदर हो, चाहे हाथी के अंदर हो, चाहे तोते के अंदर हो, चाहे मक्खी के अंदर हो, मच्छर के अंदर हो, मधुमक्खी के अंदर हो, सांप के अंदर हो, आत्मा का आकार तो सेम ही है। अगर कुछ लोग मुझसे असहमत हों और मैं सही ना हूं तो मैं उनसे माफी चाहता हूं, लेकिन मेरी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक आत्मा का आकार तो सेम ही है, वही ईश्वर है, उसी का अंश है आत्मा। और वो सभी के अंदर, जब आत्मा चली जाती है तो जीव मर जाता है, खत्म हो जाता है, तो उसी के जरिए कम्युनिकेशन है, कनेक्शन है। तो अगर आप धीरे धीरे ईश्वर का नाम जप जप के, सुन सुन के, सुरत से जप जप के, माफिया मांग के, धन्यवाद करके, निरंतर सुन के अपनी प्योरिफिकेशन कर लेते हैं, मैल को धो लेते हैं, पाप को धो लेते हैं, और आपकी अवस्था धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है, तो आप पूरी सृष्टि से वार्तालाप कर सकते हैं। ये एक प्रमाण है, आप पूरे ब्रह्मांड से वार्तालाप कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले कहा है कि जिससे भी, जिस शक्ति से आप बात करते हैं वो सुन रहे हैं। हम लोगों को चाहिए होता, हमारी वो अवस्था नहीं है कि टू वे कम्युनिकेशन हो सके, अभी वन वे है, वो सुन रहे हैं, आप बोलिए, बात करिए उनसे, पहरा लगाइए उनका, वो पहरा लगा देंगे। ऐसे ही इन जीवों से आप कम्युनिकेट करने की कोशिश करिए, धीरे धीरे आप उस सूक्ष्म लेवल पे पहुंच जाएंगे तो कनेक्टिविटी हो जाएगी, वो समझने लग जाएंगे, आपसे कम्युनिकेट करने लग जाएंगे, आप के जो सवाल है या आपकी जो प्रार्थना है या आपकी डिक्टेशन है या जो आप डायरेक्शन देंगे उनको, उसका जवाब देने लग जाएंगे, और आप हैरान होते चले जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है, ये एक चमत्कार है, और ये सिद्ध करता है कि वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो वाहेगुरु, वो गॉड अपनी हर क्रिएशन के अंदर विराजमान है, उसी का ये सूत्रपात है, वही हमको कनेक्ट करता है, और उसी के माध्यम से आप उनसे तालमेल पैदा कर सकते हैं, उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कुछ मित्रों की बात पकड़ में आई होगी, और वो इसका अनुसरण करते हुए इससे भरपूर लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। ईश्वर हम सबका भला करे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन्य सभी धर्मों के संत भक्त महापुरुष, देवी देवता अवतार, पीर पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। मंगल ढिलोन चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिलोन चैनल।